Praise the Lord. हमारे महान परमेश्वर का वो वचन जो कभी नहीं टलता, उसके सामर्थी वचन से आज हम देखेंगे योना की पुस्तक उसका 6:8-11 जी। उसके चेलों में से शमौन पत्रस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग जिनमें पुरुषों की लगभग संख्या 5,000 की थी बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जी मेरे प्रियो, हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़े आश्चर्यकर्म को किया, एक बहुत ही विशेष आश्चर्यकर्म को उसने यहाँ पे किया। और क्या होता है यहाँ पे कि बहुत बड़ी भीड़ है जो कि तकरीबन 20,000 लोगों की है और प्रभु यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली से इन 20,000 लोगों को भोजन किया। 20,000 लोग भर पेट खाना खाते हैं और ना सिर्फ भर पेट खाना खाते हैं पर हम देखते हैं 12 टोकरे बच भी जाते हैं। 12 टोकरे बच जाते हैं। जबरदस्त आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे दिखाते हैं। और ये भूखे लोग, ये 20,000 लोग जो कि सुबह से प्रभु के साथ में थे, प्रभु के वचनों को सुन रहे थे और ये भूखे थे, और हम देखते हैं बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म यहाँ पे होने पाता है। और ये बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म क्यों हुआ? ये बहुत बड़ा आश्चर्यकर्म इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे एक लड़का है, यहाँ पे एक बच्चा है जो कि अपनी चीजों को शेयर करने के लिए तैयार है, जो कि अपनी चीजों को यीशु के हाथ में दे देने के लिए तैयार है, जो कि अपनी चीजों को बांटने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह अगर वो बेटा नहीं होता, अगर वो बच्चा नहीं होता तो उसके बगैर वो भोजन नहीं खिला सकते थे। हम परमेश्वर के सामर्थ को जानते हैं, वो तो कुछ भी नहीं से सब कुछ को बनाने वाला सामर्थी परमेश्वर है। पर हम यहाँ पे देखते हैं कि खूबसूरत आश्चर्य कर्म में इस बालक ने एक इम्पोर्टेंट रोल को प्ले किया और वो ये कि उसने अपनी चीजों को बांटने के लिए वो तैयार हुआ, वो अपनी चीजों को देने के लिए तैयार हुआ जो कुछ उसके पास में था। ऐसा नहीं था कि अपने उसने थोड़ा सा दे दिया, हम देखते हैं जो कुछ उसके पास में था सब उसने दे दिया। और क्योंकि उसने दिया, हम इसलिए देखते हैं कि ढेर सारे लोगों को पर्याप्त भोजन मिलने पाया, उनकी भूख जो है वो मिटने पाई। Now, ऐसा नहीं होगा कि इन 20,000 लोगों में से कोई भी अपने घर से खाना लेकर के नहीं आया, सब ऐसे ही आ गए, ऐसा नहीं होगा। होंगे वहां पे ढेर सारे लोग जो कि अपने साथ में भोजन को लेकर के आए होंगे पर वो तैयार नहीं थे बांटने के लिए, वो तैयार नहीं थे यीशु के हाथ में चीजों को दे देने के लिए, वो तैयार नहीं थे कि जब यीशु कह रहे हैं कि अगर आपके पास में कुछ है तो दे दीजिए, वो तैयार नहीं थे देने के लिए। ऐसा नहीं था कि इस भीड़ में लोगों के पास से भोजन नहीं था, था पर वो बांटने के लिए तैयार नहीं थे। प्रभु की बातों को सुन रहे हैं, प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, आश्चर्य कर्मों को अनुभव कर रहे हैं, बड़े बड़े चमत्कारों को देख रहे हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोल रहे हैं, प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, पर आज्ञाकारी होने के लिए तैयार नहीं है, देने के लिए तैयार नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप आज्ञाकारी होने के लिए तैयार हैं? क्या आप देने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस भीड़ के समान होंगे जो कि देने, जिनको देना अच्छा नहीं लगता, जिनको सिर्फ रिसीव करना, प्राप्त करना अच्छा लगता? क्या आप उस भीड़ के समान होंगे कि जब देने की बात आएगी आप कहेंगे नहीं भाई हम अपनी चीजें नहीं देंगे, या आप भीड़ से हट करके यीशु की पार्टी के होंगे और आप कहेंगे प्रभु हम आपकी तरफ है, आप जो कुछ कहेंगे हम करने को तैयार हैं, आप जो कुछ कहेंगे हम करने को तैयार है। क्या आप वो जन है जो कि भीड़ के साथ में खड़े हुए, या आप वो जन है जो कि यीशु के साथ में खड़े हुए? मेरे प्रियो, जब हम बांटते हैं तो एक चीज बहुत खूबसूरत होती है हमारे साथ में, जब हम बांटते हैं किसी चीज को तो वो कम नहीं हो जाती, तो वो थोड़ी नहीं हो जाती, वो बढ़ जाती है और वो बहुत आयत के साथ में जाती है। जब हम बांटते हैं, जब अपनी चीजों को हम यीशु के हाथ में सौंप देते हैं, अपनी थोड़ी सी चीजों को जब यीशु के हाथ में सौंप देते हैं, वो थोड़ी सी नहीं रह जाती मेरे प्रियो, वो बहुत बढ़ जाती है, वो बहुत बढ़ जाती है। हम देखते हैं वो इतनी बढ़ने पाई कि उस बच्चे को पर्याप्त भोजन मिलने पाया और वो 20,000 लोग जो थे वो अच्छे से खा करके तृप्त होने पाए, उस बच्चे को भी मिला, उस बालक को भी मिला। और हम देखते हैं उस बड़ी भीड़ ने खाया कब? जब उस बच्चे ने दे दिया।
कब? जब उस बच्चे ने दे दिया, जब हम दे देते हैं, जब यीशु की आज्ञाकारिता में आते हैं, परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, जब यीशु के हाथों में चीजों को सौंप देते हैं, वो थोड़ी सी और सीमित सी नहीं रह जाती, वो बढ़ जाती है और वो ढेर सारी हो जाती है, वो बढ़ जाती है और ढेर सारी हो जाती है। मेरे प्रिय दाऊद के कुछ खूबसूरत शब्द हैं, आप उनको सुने। भजन संहिता 37 और उसके 25 और 26 पद को हम देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक जी देखता आया हूँ जी, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ जी और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा जी। ना दाऊद कह रहे, मैं लड़कपन से, मैं बच्चा था और आज मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, और मैंने क्या नहीं देखा कि कोई धर्मी कि को त्यागा कोई हुआ, कोई धर्मी को मैंने नहीं देखा कि कोई धर्मी ऐसा था जो कि त्यागा हुआ हो निकला, और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। टुकड़े मांगते देखा, जो जन धर्मी था, जो आज्ञाकारी था, जो प्रभु को दे देता था, उसका परिवार, वो उसका परिवार भरपूरी में रहने पाया। हालेलुया। जिसने दिया उसके पास में कभी कम नहीं होने पाया। वो लोग जो कि शेयर करते हैं, वो लोग जो कि बांटते हैं, वो लोग जो कि दे देते हैं, प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं, आगे कार्य में निकल के आते हैं, फिर उनके पास कभी कमी नहीं होती, उनके पास में कभी कमी नहीं होती। और दाऊद कह रहा है कि ये मेरे पूरे जीवन का अनुभव है, मैंने बचपन से देखा है, अब मैं बुजुर्ग हो गया हूं और मैंने किसी भी धर्मी को त्यागा हुआ नहीं देखा, मैंने नहीं देखा किसी भी धर्मी जन को जिसको परमेश्वर ने त्याग दिया, जिसको परमेश्वर ने छोड़ दिया। नहीं, परमेश्वर ने अपनी वफादारी अपने धर्मी लोगों के जीवन में सिद्ध की है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी वफादारी, अपनी खूबसूरती को अपने धर्मी लोगों के जीवन में उसने सिद्ध की। उसने किसी भी धर्मी जन को त्यागा हुआ नहीं देखा। और वो कुछ और कह रहा है, और कह रहे मैंने किसी भी धर्मी जन के बच्चों को भीख मांगते नहीं देखा, भीख मांगते नहीं देखा। जो लोग देते हैं उनके पास में हमेशा भरपूरी रहती है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बड़े खूबसूरत से फॉर्मूले को बता रहे हैं, और वो ये कि जब दोगे तो वो बढ़ जाएगा और वो ढेर सारा हो जाएगा, और फिर कभी घटी नहीं होने पाएगी। फिर कभी जब देंगे तो वो ढेर सारा हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा और फिर कभी घटी नहीं होने पाएगी। ढेर सारे लोग जो है वो बहुतायत में, प्रभु के बहुतायत में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होते, और ढेर सारे लोग के जीवन में हमेशा कमी बनी रहती, चाहे वो कितना क्यों नहीं कमा ले, चाहे कितना क्यों नहीं आ रहा होता, पर हमेशा कमी बनी रहती है। पर हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों के पास भले थोड़ा सा होता है, पर वो हमेशा ढेर सारा होता है, भले थोड़ा सा होता है वो हमेशा ढेर सारा होता है, क्योंकि हम देना जानते, क्योंकि हम देना जानते हैं। 26वें पद में क्या लिखा हुआ है? वो तो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण देता है। तो दिन भर देने वाला जन, धर्मी जन, जिसने जिंदगी में शेयर किया है, आज बहुत आए थे और बहुत इस प्रकार की होगा कि वो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण देता है और उसके वंश पर जी आशीष फलती रहती है। वो तो ऋण देने वाला जन है। अगर आप शेयर करने वाले जन होंगे, अगर आप बांटने वाले जन होंगे, अगर आप वो जन होंगे जो कि प्रभु की आज्ञाकारिता में निकल के आएंगे, उसके हाथों में चीजों को सौंप देंगे। प्रभु का वचन बताता है कि ऐसे धर्मी लोग वो त्यागे में नहीं होते, उनके बच्चे जो है वो भीख नहीं मांगते, लेकिन क्या होता है कि वो ऋण देने वाले लोग होते हैं, वो ऋण देने वाले लोग होते और उनके बच्चे आशीष फलती, आशीष उनके ऊपर आशीष फलती है। कितना खूबसूरत वादा है उन लोगों के लिए जो कि बांटना चाहते हैं, जो कि बांटना चाहते हैं। आपके पास में जो कुछ है वो आपका है, और आप चाहे तो उसको रख सकते हैं, पर वो थोड़ा सा ही रहेगा। आपकी 2 मछली और 5 रोटी आप चाहे तो उसको अपने पास में रखे रहे, पर वो मेरे प्रियो 2 मछली और 5 रोटी रहेगी, जो कि आप खाएंगे और कुछ देर बाद खत्म हो जाएगी, कुछ देर वक्त खत्म हो जाएगी। पर अगर आप चाहते कि अनुग्रह बना रहे, अगर आप चाहते कि अनुग्रह बना रहे, आप चाहते भरपूरी बनी रहे, उसको प्रभु के हाथ में सौंप देंगे, ये बढ़ जाएगी, ये ग्रो कर जाएगी, और आप परमेश्वर की फदारी को अपने जीवन में देखेंगे, और आपके बच्चे अपने जीवन में आपकी फदारी को, परमेश्वर की फदारी को अपने अपने जीवन में अनुभव करने पाएंगे। आप ऋण देने वाले होंगे और आपके बच्चों के ऊपर आशीष फलने पाएंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग, कितना खूबसूरत वादा है जो परमेश्वर ने हमसे किया है। आप चाहे तो भीड़ में से हो सकते हैं और कह नहीं भाई हमारे पास में थोड़ा सा है और ज्यादा भी है तो भी हम क्यों दे दें, अपनी चीजें नहीं देंगे, अपनी चीजें नहीं शेयर करेंगे। आप ऐसा भी सोच सकते हैं। ऐसे भीड़ में बहुत ढेर सारे लोग थे जो कि देने को तैयार नहीं थे, पर एक जन देने को तैयार था। और जब उसने दिया, ना सिर्फ उसके पास में ढेर सारा हुआ, पर उसकी वजह से ढेर सारे लोग आशीषित होने पाए।
हालेलुया, ढेर सारे लोग आशीषित होने पाए क्योंकि उसने दिया। जब आप देंगे तो आपके जीवन के द्वारा ढेर सारे लोग आशीष को प्राप्त करेंगे, ढेर सारे लोग आशीष को प्राप्त करेंगे। जब सारपत की विधवा ने दिया तब क्या हुआ, पूरे अकाल भर पर्याप्त रहा, पूरे अकाल भर अबंडेंट फ्लो बना रहा, भरपूरी के साथ में वहां पे उसके पास में भोजन बना रहा, ना सिर्फ उसके लिए, ना सिर्फ उसके बच्चे के लिए, ना सिर्फ एलिया के लिए, पर पूरा घराना खा रहा था। पूरा घराना क्यों खा रहा था, क्योंकि she was willing to share, वो बांटने के लिए तैयार थी। वो पूरा घराना वहां पे इसलिए था क्योंकि वो बांटने के लिए तैयार थी। इस आवश्यकता आ जाओ हम देने को तैयार है, आवश्यकता आ जाओ हम देने के लिए तैयार है। वो पूरा घराना वहां पे इसलिए खा रहा था क्योंकि वो देने के लिए तैयार थी। उसने ये नहीं कहा तुमने हमें नहीं दिया अब हम भी तुमको नहीं देंगे, तुमने हमको नहीं पूछा अब हम भी तुमको नहीं पूछेंगे, तुमने हमारे साथ बुरा किया अब हम भी तुम्हारे साथ बुरा करेंगे, हमारी आवश्यकता में तुम नहीं खड़े हुए अब हम भी नहीं खड़े हुए खड़े कि तुम्हारे साथ में नहीं। मेरे प्रियो वो खड़ी हुई और वो कह लेगी यस मैं तैयार हूं, तुमने नहीं पूछा पर मैं दे रही हूं, मैं शेयर करने के लिए तैयार हूं, मैं बांटने के लिए तैयार हूं। और क्योंकि वो एक धर्मी हृदय के थी, क्योंकि वो धर्मी हृदय की थी, इसलिए एलिया उसके पास में आ गया और उसके घर में भरपूरी बनी नहीं, वो थोड़ा सा नहीं रहा, वो बहुत ढेर सारा हो गया। और ना सिर्फ उसके लिए पर्याप्त था पर वो ऋण देने वाली होने पाई और उसके पास में उसका घराना आ करके खा रहा है, भोजन को खा रहा है और वो एंजॉय कर रहे हैं। हम तो यहाँ पे लेने के लिए आए थे, देंगे नहीं हम कुछ, हम शेयर नहीं करेंगे, हम बांटेंगे नहीं, या आप उन लोगों के समान होंगे जो कहेंगे प्रभु हम एक रोटी और एक मछली नहीं देंगे, हम पूरा देने के लिए तैयार है। हम पूरा भी देने लगते यार, अगर प्रभु कहेंगे हम पूरा देंगे, हमारा जो कुछ भी है वो आपका है और ये आप अपने हाथ में लें और आप अपनी इच्छा के अनुसार इसको लेके चलेंगे। बड़ी भीड़ है जो कि इनकार करती है नहीं नहीं नहीं, और एक बड़ी भीड़ है जो कि इस बात को कहने के लिए तैयार है यस लॉर्ड हम आपके हैं, हम आपके हैं और जो कुछ हमारा है हम आपको दे देते हैं, जो कुछ हमारा है हम आपको दे देते हैं। क्या फर्क है, या भीड़ के समान। प्रभु आपको आशीष दे, हम प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, जबकि आपने हमको अपने समान अधिकारी होने के लिए बुलाया है प्रभु, तो हम अपने सारे प्रियों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं कि हर एक जन आपके समान खड़ा भी होने पाए प्रभु। जबकि आपने हम सबको पूरा अवसर दिया है कि अपने भविष्य को हम कैसा बनाएं, तो जबकि पिता हमारे हाथ में है सब कुछ बनाना, तो पिता हमारे लोग इस अवसर का लाभ उठाने पाए अपने समय के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा, अपने के द्वारा, अपनी भलाइयों के द्वारा, उत्तम कामों के द्वारा, देने के द्वारा पिता बहुत आयत से आपको प्रकट करने पाए, जैसे आपने हमारे लिए सब कुछ दे दिया प्रभु जी, हम भी अपने सब कुछ के द्वारा आपको महिमा देने पाए, ताकि किसी भली बात की घटी ना रहे, ताकि हमारे प्रियों के जीवन में ही नहीं उनके वंश पर आशीष फलने पाए, उनके घराना बचाया जाए। प्रभु आप सबकी मदद करें आपके अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए, अपने सब कुछ को देने के द्वारा आपकी महिमा करने के लिए आप सबकी मदद करें, ताकि वो आपकी ओर से आशीषित हो सके। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह की।